आज धरने का कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का 62वां दिन है। पिछले 3 दिन से प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर पीसीसी मुख्यालय के बाहर से हमारे 32 साथियों को उठा लिया गया था। पहले 7 लड़कियों को तो उसी दिन शाम को छोड़ दिया गया। 25 हमारे साथी हैं जो वो कल उनको जमानत करवाकर कोर्ट की कार्रवाई पूरी करवाकर जेल से शाम को छोड़ा गया था। आज फिर उनको थाने में बुला रखा है। प्रशासन और सरकार निरंतर कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन को दबाने का काम कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने पर भी 32 लोगों को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करना ये लोकतंत्र की हत्या है। और हम सरकार से व प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। आपकी इस प्रताड़ना की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से अलवर के एक साथी ने अपनी जान दी थी आत्महत्या करके। सभी लोग यहाँ पे मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं। शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चल रहा है, शांतिप्रिय तरीके से गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा है। हमें शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करने थे। लोकतंत्र के अंदर अधिकार है विरोध करना। हम अपने विधायकों का विरोध करते हैं, हम अपने मंत्रियों का विरोध करते हैं। हमने उनको चुन के भेजा है, किसी ने और ने नहीं बनाया। प्रशासन उसके अंदर आता है, दखल अंदाजी करता है, जो बिल्कुल गलत है। हम अनुरोध करते हैं सरकार से, सभी साथी पिछले 62 दिन से यहाँ पे शहीद स्मारक के अंदर परेशान हो रहे हैं। कोरोना के अंदर लोगों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स आज खुद अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जेलों के अंदर अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। प्रशासन अपराधियों की तरह व्यवहार करता है, उठा के ले जाते हैं, छोड़ देते हैं।